नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मैं आपको एक नए तरीके से और बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाना बताऊंगी, जो उसका एक सबसे बड़ा सीक्रेट होता है वो भी आज आप सबके सामने शेयर करूंगी। सेव भाजी कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगी। आप देखिए हमारी सेव भाजी कैसे बन रही है। देखिए दोस्तों, सेव भाजी बनाने के लिए मैंने ये सेव रखा है और यह है थोड़ा सा एक चम्मच देसी घी, नमक तो स्वाद अनुसार रहेगा आपका जैसे भी खाते हो, एक चम्मच है। अब थोड़ा सा हल्दी है, एक चम्मच हल्दी है और एक चम्मच ये लाल मिर्च है, इसमें लाल मिर्च पाउडर आप चाहे तो डालें चाहे ना डालें, लेकिन डाल देने से थोड़ा दूर पड़ता है इसलिए थोड़ा डालना ज़रूरी होता है लाल मिर्च पाउडर। अगर नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मत डालिए। और थोड़ी सी एक चम्मच गरम मसाला है, इसको मैंने घर पे पीसा है। और थोड़ी सी धनिया है और ये मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया है और ये प्याज का और अदरक और ये हरी मिर्च का पेस्ट है। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च सही रहता है लेकिन मैं लाल मिर्च ही नहीं खाती इसलिए नहीं डाली हूँ। आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। और ये एक कटोरी दूध है, ये दूध मैंने पहले उबाल के फ्रिज में रख दिए ठंडा करने के लिए, बिल्कुल ठंडा हो गया है। गर्म दूध इसमें कभी ना डालें नहीं तो फट जाएगी, आपकी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। ये पैकेट वाला दूध है अमूल वाला, इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया है, पानी ऐड करेंगे तो ये फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, अब तेल हमारा गर्म हो जाएगा। इसको मैंने हाई फ्लेम पे कर दिया है गैस को। तेल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी ये प्याज का पेस्ट। प्याज में पहले मैं आपको ये बता दूं डालना क्या है। देखिए अब प्याज में हम डाल देंगे प्याज, ये प्याज का जो पेस्ट है दोस्तों उसी में मैं ये लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। मसाले में ये सब ऐड करना है, नहीं तो फिर क्या होता है अलग अलग दिखता है, इसका स्वाद फिर नहीं आता है। और ये है धनिया पाउडर और ये है हल्दी, यह है गरम मसाले, आप चाहें तो थोड़ा सा बाद में भी डाल सकते हैं। और तड़के के लिए तो मैं आपको बता ही नहीं दोस्तों, भूल गई। तड़के के लिए देखिए मैंने दो तेज पत्ता रखा है, दो लाल मिर्ची और ये है ये जो मसाले, ये दो लौंग है, इलायची नहीं थी इसमें और ये थोड़ा सा दालचीनी है। ये ऐसे खड़ा हम तड़के में डाल देंगे, खड़ा गरम मसाला पहले। अब तड़का हमारा हो गया है, अब इसमें डालेंगे ये प्याज का पेस्ट जो है। अब इसमें मैं टमाटर, ये देखिए लहसुन प्याज का पेस्ट है, अभी इसको हम 5 मिनट तक पूरा भूनेंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दे रहे हैं, देखिए दोस्तों अब मसाला पक गया है। तो अब इसमें जो इसका सीक्रेट है मेन वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बन रही है वो सेव भाजी और इसमें पड़ेगा दूध। तो प्याज में, प्याज को मैंने पहले से भूना नहीं है कि भून के इसका पेस्ट बनाए होते, तो मैं वैसे इसके लिए आपको एक तरीका बता रही हूँ कि जो सब्ज़ी में आपके दूध की सब्ज़ी में प्याज का स्वाद नहीं आएगा, कच्चापन सा नहीं आएगा, इसको डाल देने से सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। ये घी है, यही है मेन सीक्रेट सब्जी टेस्टी बनने का।
घी डालने के बाद इसे दोस्तों बस यही है कि 5 मिनट तक पूरा पकाना पड़ेगा मसाले को, तब इसका पूरा फ्लेवर जो है स्वाद एकदम अलग हो जाएगा। आप बार बार ये सब्जी बनाएंगे, एक बार बना के तो देखना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि कैसे बनी है कैसे नहीं। पाँच मिनट तक इसको मैंने खूब अच्छे से भून लिया है, देखो बिल्कुल पक गया है, इसका घी बिल्कुल अलग आ गया है, दिख रहा है घी और तेल अलग अलग। तो अब इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, ये पानी वाला दूध है, इसमें दूध था तो मैंने पानी डाल दिया था, इसीलिए दिख रहा होगा दूध जैसा, और है पानी ये, थोड़ा सा इसलिए डालें, जब ये पक जाएगा तब फिर हम दूध डालेंगे। अगर दूध की मात्रा आपके पास पर्याप्त है तो इसको पानी को स्किप भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो सही रहेगा। पानी बिल्कुल पक गया है मेरा, जो पेस्ट है मसाले का, ग्रेवी है एकदम बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसको क्या करना है दोस्तों, आप 10 रुपये की ले आइए सेव, मिलती है सब दुकान पर, और 2 प्याज का काम है आपके पास, 2 टमाटो है, और थोड़े से मसाले में सब्जी आपकी झटपट तैयार हो जाएगी कम खर्च में। सुबह के नाश्ते में हुआ, शाम को बनाना हुआ, कभी भी बनाना हुआ, आपको 2 मिनट में तैयार हो जाएगी, कम खर्च की सब्जी है ये। अब इसमें मैं दूध डाल दूँगी, ये ज़रूर ध्यान रखना दूध बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाए तभी इसमें डालना, नहीं तो फट जाएगा। दूध एकदम मैंने ठंडा कर लिया है, देखो फटा नहीं मेरा दूध। इसका कलर तो थोड़ा ऐसे ही हो जाता है, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, बाद में धीरे धीरे सही हो जाता है। आपको अगर इसमें ऊपर से डालना है थोड़ी सी तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। पक गया है, बिल्कुल पक चुका है, खूब बढ़िया से देखिए इसमें पूरा पीलापन आ गया है। देखिए अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, अब इसमें डालेंगे हम ये सेव। इसको डालने के बाद हमें बहुत देर तक नहीं रखना है गैस पे, बाई चाना आपका दूध फट भी गया दोस्तों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सब्जी बहुत टेस्टी होती है, ऐसा नहीं सब्जी बुरी लगती है। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा हरी धनिया डालूंगी, मैं गैस को बंद कर दूंगी। सब्जी मेरी तैयार हो गई, आप लोग ज़रूर बनाना, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बता देना सब्जी कैसी बनी है। मेरी सब्जी तैयार है दोस्तों, सॉरी दोस्तों मैंने इसमें नमक नहीं डाला, दिमाग से उतर गए, देखिए नमक डाल देती हूँ। सब्जी देखिए मेरी बिल्कुल एकदम रेडी है, अभी ये भी बताएंगे सब्जी बनी कैसी है चखने के बाद। सब्जी मेरी बहुत टेस्टी बनी है, लाजवाब इसका टेस्ट है, और आप भी बनाना, ज़रूर बनाना,
इसके साथ आप रोटी से खा सकते हैं, आप पूड़ी पराठे कुछ भी हो, तंदूरी से ज़्यादा ये खाया जाता है। चलिए अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तंदूरी रोटी कैसे बनाते हैं घर पे। और इस अभी तो मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी के साथ खाया जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर भी करना जहाँ तक हो सकेगा आप सबसे।